तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज के सेगमेंट में हम देखेंगे बरेली को, और सबसे पहले बरेली की स्पेलिंग भी आप देख सकते हैं। पहले आपको ये इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ों का ही सब किया धरा हुआ है ये, अभी देखते हैं नाम चेंज हो रहा है, लेकिन इस तरह की स्पेलिंग का भी एक बार चेंजिंग होना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं लखनऊ या शिमला, शिमला को पहले श्यामला कहते थे, या बरेली या मसूरी, तो आप इसमें देखते हैं स्पेलिंग कुछ और ही रहता है। तो इस तरह से ये रहता है। और नॉर्मल जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लिखते हैं वो अपना 12 खड़ी के अनुसार लिखते हैं, तो ये है। बाकी आइए शुरू करते हैं आज का सेगमेंट। तो अगर हम ज़िले के बारे में बात करें तो बरेली है, ये नॉर्थ इंडियन स्टेट है यूपी में, और लोकेटेड है रामगंगा के किनारे, और कमिश्नरी डिस्ट्रिक्ट रहा है ये रोहिलखंड का। सिटी जो बरेली है ये 250 किलोमीटर है इसका डिस्टेंस है लखनऊ से, और करीब करीब उतना ही मतलब 250 किलोमीटर ही ये दिल्ली से दूर पर स्थित है। ये 7th लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिस सिटी है यूपी की, और 50 लार्जेस्ट सिटी है इंडिया की। इसके अलावा बरेली को एक तरह से 100 स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसमें भी फिगर आउट किया गया है, और इसको नाथ नगरी के भी नाम से जानते हैं। 4 शिवा यहाँ पे टेंपल हैं, भगवान शंकर के 4 यहाँ पे मंदिर हैं, जिनमें धोपेश्वर नाथ, मदनी नाथ टेंपल, और फिर अलखनाथ और तिरवती नाथ ये हैं। और इसके साथ में जो मुस्लिम संप्रदाय है उसके लिए बरेली शरीफ, आला हज़रत, शाह सराफत मियाँ और कांकया नियाजिया, यह है मुस्लिम म्यूज़ियम है। और फिर जारी नगरी है, और एक तरह से जो जारी नगरी के नाम से जानते हैं, और हिस्टोरिकली अगर ऐतिहासिक रूप से देखें, हिस्टोरिकली देखें, तो ये संजय की जो बुद्धा डिसेंट थे, तुषिता थे अर्थ के, वो यहाँ पे मतलब यहाँ पे उनका निवास स्थान था, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर हम आगे देखें तो ये सिटी है, ये सेंटर है मैन्युफैक्चर करने के लिए फर्नीचर, और ट्रेड है, ट्रेड में कॉटन है, सीरल है, शुगर है, गन्ने की बहुत आयत यहाँ पर मात्रा में गन्ना पाया जाता है। और इसी के साथ में अगर हम देखें तो ये काउंटर मैग्नेट भी है, और ये लिस्ट अगर देखेंगे NCR में तो यहाँ पर NCR का भी ये पार्ट है, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन है उसमें सबसे ज़्यादा गुरुग्राम के डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 2 ज़िले आते हैं राजस्थान के, और फिर उत्तर प्रदेश के आते हैं, तो उत्तर प्रदेश के ज़िलों में ये भी आ रहा है। और अगर इस ज़िले की बात करें तो यहाँ पे बांस बरेली के नाम से ये जाना जाता है, और बांस बरेली के नाम से जाना जाता है, और ये एक तरह से प्रोडक्शन है बांस का, बांस बरेली का, बांस मार्केट से ये डिलीवर नहीं हुआ है, लेकिन किंतु इसका जो नाम है वो आया है बांसल देव से और बराल देव से। ये जगत सिंह क्षेत्रीय जो क्षत्रिय थे जगत सिंह, उनका नाम था, और उन्होंने ही ये 1537 में इस ज़िले का एक तरह से नींव रखा था, ऐसा आप कह सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे बांस बरेली का व्यापार होता है, लेकिन जो नाम है इसका वो आया है बांसल देव से और बारल देव से। अगर हम मैप देखें तो यहाँ पे ये देख सकते हैं उत्तराखंड टच कर रहा है इसे, और इधर पीलीभीत टच कर रहा है, इधर बदायूं, और ये रामपुर, और यहाँ बीच में ये है, ये मेन सेंटर है, इसमें रेलवे है, रोड है, सारा कनेक्टेड है इससे। और ये जो इधर वाला ज़िला है ये नैनीताल ज़िला है उत्तराखंड का, ये रामपुर है, ये पीलीभीत है, ये बदायूं है, शकील बदायूं वाला आप जानते ही होंगे। फिर ये पब्लिक यूटिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे बैंक हैं 12, COVID-19 हेल्प लाइन 3 हैं, हॉस्पिटल 10 हैं, स्कूल्स 21 हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी 4 हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 1 है, नगर निगम 1 है। तो विलेजेस हैं 2070, 20 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, 29 पुलिस स्टेशन है, तो इससे आप अनुमान भी लगा सकते हैं पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर हम एक नज़र डालें इसके कितने एरिया में फैला है तो 4120 स्क्वायर किलोमीटर है पॉपुलेशन इसकी, ये देख सकते हैं 44,48,000 है, 44 लाख के करीब करीब है। और विलेजेस हैं 2070, हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, मेल हैं 23 लाख और फीमेल हैं 20 लाख, तो 3 लाख यहाँ पे
गैप है एक तरह से, 3 लाख महिलाओं की कमी है। और ज़िला मजिस्ट्रेट का ये ऑफिस है और ये फन सिटी पार्क है, ये रानी लक्ष्मीबाई चौक है और इसके साथ में ये MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है नगर निगम बरेली का, और इसके साथ में ये फोनिक्स मॉल और ये अक्षित्रा टेम्पल है, पुराना है, एंशियंट है, और इसके साथ में ये जो आला हज़रत दरगाह है ये भी यहाँ पर है, और बरेली कॉलेज, इसके साथ में बरेली जंक्शन है, इसको मॉडिफाई किया गया है, और ये 100 जो ज़िले हैं स्मार्ट सिटी का उसमें भी आ रहा है बरेली जंक्शन। इसके साथ में अगर हम बरेली कंस्टिट्यूंसी की बात करें लोकसभा की, तो यहाँ पे संतोष गंगवार जीत रहे हैं, और जो रनर थे वो भी इन्हीं के पीछे रनर थे सपा के, वो भी गंगवारी थे। और पार्लियामेंट्री पार्टी की बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे जीत दर्ज की है 2019 में, 1952 से लेकर अब तक ये कंस्टिट्यूंसी चल रही है, रिजर्वेशन यहाँ पे किसी का नहीं है। और मीरगंज, भोजीपुरा, नवाबगंज, बरेली, बरेली कैंट, ये सारी यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में जो 1952 से लेकर अब तक यहाँ पे सतीश चंद्रा 1952 में जीते थे, उसके बाद में अगर बात करें तो फिर सतीश चंद्रा, और फिर 1962 में ब्रिज राज सिंह भारतीय जनसंघ से, और ब्रिज भूषण लाल भारतीय जनसंघ से 67 में, और फिर 1971 में सतीश चंद्रा इंडियन नेशनल कांग्रेस से, 1977 में राम मूर्ति भारतीय लोक दल से, 1980 में मिसरार यार खान करके हैं जनता पार्टी सेकुलर से, और फिर 1981 में बेगम अबाइदा अहमद ये कांग्रेस की टिकट से, फिर वही 1984 में भी जीत दर्ज करती हैं बेगम अबाइदा अहमद नेशनल कांग्रेस से, और फिर संतोष गंगवार, देख सकते हैं आप इनकी सीरीज चली आई है, ये 89, 91, 96, 98 और 99, ये संतोष गंगवार लगातार भारतीय जनता पार्टी से जीत दर्ज कर रहे हैं 1989 से लेकर 2004 तक। और फिर 2009 में प्रवीण सिंह जीते हैं कांग्रेस के टिकट से, और 2014 में फिर संतोष गंगवार दो बार लगातार जीत दर्ज करते हैं। तो आप देख सकते हैं संतोष गंगवार, और ये केंद्रीय मंत्री भी आपने देखा होगा इनको। और अगर हम यहाँ पर रेशियो देखें तो ये हिंदुइज़्म का रेशियो है और ये इस्लाम का रेशियो है, इसके अलावा सिख का रेशियो ये है, क्रिश्चियनिटी का ये और अदर्स का ये, तो ये रिलीजन ग्राउंड पे है। और इसके अलावा अगर हम बरेली का मैप देखें तो ये उत्तराखंड से, देखिए ये नैनीताल ज़िला है, यहाँ से टच करता है, और ये बाकी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं टच कर रहे हैं। और इसी के साथ में ये सेगमेंट ख़त्म होता है। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।